नवप प्रभात की मंगल वेला में आप सभी दर्शकों को शुभ प्रभात, स्वागत एवं अभिनंदन। शुभ प्रभातम के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। कहते हैं सूर्योदय हमारे जीवन में, मन में, चेतन में आशा की नई किरण लाता है, उमंग लाता है, ऊर्जा लाता है, जिससे हम सभी प्रकाशित होकर, ऊर्जान्वित होकर अपने परिवेश को भी ऊर्जान्वित करते हैं। ऊर्जा के इसी क्रम का संचार करते हुए आपको भी ऊर्जान्वित करने के लिए आइए आरंभ करते हैं आज का यह सुप्रभातम कार्यक्रम। पंचांग सुभाषित भारतीय ज्ञान परंपरा की एक विशेष प्रस्तुति, स्वास्थ्य मंत्र और फिर योग तथा संस्कृत पाठशाला और अंत में एक प्रेरक वृत्त, यही कलेवर है हमारे सुप्रभातम कार्यक्रम का। तो क्रम से चलते हैं अपने प्रभागों के साथ और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र पंचांग प्रभाग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, शुक्रवार, भरणी नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। तो आज के पंचांग के बाद अब समय है सुप्रभातम में सुभाषित का। कहा गया है कि अच्छा सुनने और उसे सुनकर समझकर जीवन में व्यवहार के लिए अच्छे वचनों की सबसे पहले और सबसे अधिक आवश्यकता होती है और अच्छे वचन का ही अपर पर्याय या दूसरा नाम है सुभाषित, जिसे सुनकर समझकर हम सदैव स्वयं जीवन में प्रेरित रहते हैं और इससे कहीं अधिक दूसरों को भी हम अभिप्रेरित करते हैं। तो आज ऐसे ही एक प्रेरक वचन या भाषित को सुनते हैं सुप्रभातम की दूसरी प्रस्तुति अर्थात सुभाषित के माध्यम से। सजीवति गुणायस्य धर्मो यस्य सजीवति गुणधर्मा विहीनो यो निष्फलं तस्य जीवितम्। अच्छे संस्कार एवं अपने धर्म के प्रति अटूट विश्वासी जीवन को सरगर्भित बनाता है, अन्यथा जीवन व्यर्थ है। Virtues and firmness in faith make life meaningful. Those who lack these qualities are wasting the purpose of life. और सुप्रभातम में अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा का। हमें अपने आहार में पौष्टिक पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए ताकि शरीर को पोषक तत्व मिल सकें और शरीर पुष्ट तथा बलवान बना रहे। शरीर को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनको विटामिन यानी खाद्योज तत्व कहा जाता है। आइए जान लेते हैं उन मुख्य जीवनीय तत्वों के विषय में हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की इस रिपोर्ट के माध्यम से। प्राणीनाम पुनर्मूल माहारो बलवर्णोजसाम च, अर्थात बल वर्ण ओज आदि के लिए प्राणियों में आहार ही मूल वस्तु है। आयुर्वेद ने आहियते अन्न नलिकया यत्तदाहारः के अनुसार अन्न नलिका के मार्ग से ग्रहण किए जाने वाले पदार्थों को आहार कहा है। आहार में हमें पौष्टिक पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए ताकि शरीर को पोषक तत्व मिल सके और शरीर पुष्ट तथा बलवान बना रह सके। आहार में दूषित, पोषण रहित तथा शरीर का नाश करने वाले पदार्थ नहीं होने चाहिए। ऐसे पदार्थ अभक्ष्य यानी न खाने योग्य माने गए हैं। भक्ष्य पदार्थ वे ही होते हैं जो शरीर का पोषण करके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और शरीर में कोई व्याधि पैदा नहीं होने देते बल्कि रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा करते हैं। शरीर को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनमें विटामिन यानी खाद्योज तत्वों का नाम उल्लेखनीय है। आज हम बात करेंगे इन तत्वों वाले पदार्थों के विषय में, साथ ही इन तत्वों के सेवन से शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं और इन तत्वों के न मिलने पर शरीर को क्या क्या हानियां या व्याधियां होती हैं। विटामिन को हिंदी में खाद्योज कहा जाता है।
इन्हें जीवनीय द्रव्य भी कहा जाता है, जो विभिन्न खाद्य पदार्थों, अन्न, फल, शाक, दूध आदि में अलग अलग वर्ग और मात्रा के अनुसार पाए जाते हैं। इन पदार्थों के सेवन से शरीर को ये जीवनीय द्रव्य प्राप्त होते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा, शक्ति और पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें पोषक तत्वों से युक्त पदार्थों का आहार करके अपने शरीर और स्वास्थ्य का अनुवर्तन करना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है, तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते अजातानां विकाराणां अनुत्पत्तिकरं चयत्। अर्थात हमें ऐसे आहार द्रव्यों का ही नित्य सेवन करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता रहे, अर्थात स्वास्थ्य उत्तम बना रहे और जो रोग उत्पन्न नहीं हुए हैं उनकी उत्पत्ति भी न हो सके। यह श्लोक स्वास्थ्य के व्यापक सिद्धांत की नींव है, जो संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट का मूल मंत्र है। शरीर की रक्षा और वृद्धि करने में जीवनीय द्रव्य बहुत सहायक होते हैं। इन तत्वों से रहित आहार द्रव्य निर्जीव आहार होता है। वैसे तो ये द्रव्य कई प्रकार के होते हैं, पर आज उनमें से कुछ मुख्य जीवनीय द्रव्यों की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए मूलतः हरी पत्ती वाली शाक सब्जियों, पपीता, गाजर, दूध, मक्खन, आलू, केला, छुहारा या खजूर, सोयाबीन, धनिया आदि में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेत्र ज्योति में कमी या अंधापन न होने देना, त्वचा स्वस्थ रखना, दांत व हड्डी के लिए हितकारी, बच्चों के लिए बढ़ती उम्र में उपयोगी व आवश्यक और शरीर की रक्षा करना इस विटामिन के मुख्य गुण हैं। विटामिन बी के स्रोत की बात करें तो यह विटामिन छिलके वाली मूंग दाल, हरी शाक सब्जियों, दूध, मूंगफली, चना, सोयाबीन, घी, गेहूं, चावल, मीठे फल आदि में मुख्य रूप से पाया जाता है। इस विटामिन के मुख्य गुण मांसपेशियों को मजबूत रखना, शरीर को पुष्ट और सुडोल रखना, पाचन क्रिया ठीक रखना, शरीर में स्निग्धता और सौम्यता रखना आदि बताए गए हैं। विटामिन सी के अभाव में रक्त विकार एवं त्वचा रोग होने की संभावना होती है, अतः इसके लिए नींबू, संतरा, आंवला, पत्ता गोभी, टमाटर, अंकुरित अन्न, हरा धनिया, हरी मटर, कच्ची सब्जी का सलाद, अमरूद आदि का सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से रक्त शुद्ध होता है, त्वचा निरोग और स्वच्छ रहती है, जख्म जल्दी भरते हैं व पाचन क्रिया ठीक रहती है। हड्डियां कमजोर होने पर, शरीर की हड्डियों व दांतों का उचित विकास न होने पर, रोग प्रतिरोधक शक्ति में कमी होने के लक्षण प्रकट हो तो विटामिन डी से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। सूर्य की किरणें, पालक, दूध, घी, मक्खन आदि में यह विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है। हृदय व मांसपेशियों के संकोचन और रक्त संचार को संतुलित रखने में भी यह अत्यंत सहायक होता है। शरीर में पौरुष बल, शुक्र बल और प्रजनन शक्ति उत्पन्न करना, हृदय को बल देना, गर्भ धारण करने की क्षमता उत्पन्न करना, मुख पर ओज और कांति बनाए रखना, गर्भ की रक्षा कर उसका समुचित विकास करना विटामिन ई का मुख्य गुण है। यह विटामिन मुख्य रूप से अंकुरित अन्न, हरी शाक सब्जी, वनस्पति से बने तेल, दूध, अनाज, सेब, केला, शहद, मूंगफली आदि में पाया जाता है। इस प्रकार पदार्थों के गुणों के साथ साथ पदार्थ की मात्रा के औचित्य का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में लिया गया आहार भी दोष उत्पन्न कर सकता है। पौष्टिक आहार में इन पदार्थों का यथाशक्ति उचित मात्रा में प्रतिदिन शामिल कर सेवन करते रहना चाहिए, जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। शरीर के विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो अलग अलग खाद्य पदार्थों में उपलब्ध हो पाते हैं। इन पोषक तत्वों की कमी होने से प्रभावित होता है हमारा स्वास्थ्य। आयोडीन एक पोषक तत्व है, जिसकी शरीर में कमी होने से कई बीमारियां होने का खतरा हो जाता है। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी यह रिपोर्ट। सही पोषण की आवश्यकता होती है, ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है आयोडीन, जिसका मानसिक और शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। गर्भवती महिलाओं को सामान्य महिलाओं की तुलना में अधिक मात्रा में आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थायराइड के समुचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए होती है। ये थायराइड हार्मोन T4 और T3 के उत्पादन को विनियमित करने में सहायता करता है। कम थायराइड हार्मोन उत्पादन
और हाइपोथायरॉयडिज्म को रोकने के लिए पर्याप्त आयोडीन प्राप्त करना आवश्यक होता है। आयोडीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसके सबसे ज़रूरी सबसे महत्वपूर्ण रोल है थायरॉयड ग्लैंड की डेवलपमेंट और थायरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस में। अगर आयोडीन की कमी हो तो जो थायरॉयड ग्लैंड है वो अपने T3 और T4 नामक हार्मोन्स को सही तरह से नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। भारत की सरकार ने सन 1962 में ये निर्णय लिया था कि एक यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन किया जाए। इसका मतलब कि जो सॉल्ट, जो नमक हम यूज़ कर रहे हैं घर में, उसमें ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि उसमें आयोडीन से फोर्टिफिकेशन किया जाए। और आज की डेट में इंडिया में सभी घरों में ये आयोडाइज सॉल्ट यूज़ किया जा रहा है, और इसी सॉल्ट को यूज़ करना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हम इसकी डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर सकें और थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में कोई प्रॉब्लम ना आए। थायराइड का उत्पादन ठीक हो और इसकी प्रक्रिया ठीक हो पाए, इसमें आयोडीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थायराइड को चयापचय के लिए आवश्यक हार्मोन का उत्पादन करने के लिए आयोडीन उपयोगी होता है। इसकी कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, जिसका अर्थ है कि थायराइड उतना अच्छा कार्य नहीं करता जितना उसे करना चाहिए, जिसकी वजह से व्यक्ति को थकान, जोड़ों में दर्द और प्रजनन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ये खनिज गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हड्डियों और मस्तिष्क के उचित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोडीन का महत्व संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए है और इसके कई लाभ हैं। गर्भावस्था में सहायक होता है आयोडीन, गर्भस्थ शिशु के विकास में उपयोगी, शिशु के मस्तिष्क का उचित विकास हो इसके लिए आयोडीन की मात्रा पर्याप्त मिलनी चाहिए। बच्चों में संज्ञात्मक कार्य यानी कॉग्निटिव फंक्शन को बेहतर बनाता है। जन्म के समय शिशु का वजन सही हो, इसमें भी आयोडीन महत्वपूर्ण है। थायराइड हार्मोन के संतुलन के लिए आयोडीन आवश्यक है। अगर गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को आयोडीन डेफिशिएंसी है तो इसका बहुत खराब असर होने वाले शिशु पे आ सकता है, और शिशु का जो थायराइड ग्लैंड है उसके डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, जिस वजह से नवजात शिशु को कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें उसको थायराइड हार्मोन के लेवल्स कम होने के कारण उसके दिमागी डेवलपमेंट में या शारीरिक डेवलपमेंट में दोनों में ही काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, और बच्चे का IQ काफ़ी कम हो सकता है, जिसको हम मेंटल रिटार्डेशन भी बोलते हैं। और ये जो स्थिति है ये पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है, इसकी रोकथाम बिल्कुल संभव है। इसीलिए मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि आयोडाइज सॉल्ट का ही यूज़ किया जाना चाहिए और किसी तरह का सॉल्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बड़े बच्चों की या अडल्ट्स की बात करें, उनमें भी आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण हमें काफ़ी लक्षण मिल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आम तौर पे देखे जाने वाला लक्षण जो है उसको हम गोइटर बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो गर्दन का एरिया जहाँ पर थायरॉयड ग्लैंड होता है वहाँ पे सूजन हो सकती है, और कई बार ये अगर लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत लंबे समय से आयोडीन डेफिशिएंसी है तो ये बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। अगर हम आयोडाइज सॉल्ट का अपने रोज़मर्रा के खाने में प्रयोग करें तो हमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होने की कोई संभावना नहीं रहेगी और हमें किसी और सोर्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। शरीर में आयोडीन की कमी होने पर कई बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। आयोडीन की कमी से होने वाले विकार विश्व भर में बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जिनके विषय में जागरूकता आवश्यक है और इनसे बचाव भी किया जा सकता है। पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों से बचाव करने का उपयोगी और प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए DD न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो
या अच्छी फसल, इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का आशीर्वाद, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धोकर आते हैं, साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। योग स्वस्थ रहने का प्रभावशाली प्रकल्प है। इससे शरीर में ऊर्जा का संचय व संचार दोनों ही होते हैं। शरीर है तो समस्याएं होना स्वाभाविक ही है। गैस और एसिडिटी की समस्या भी कई लोगों को प्रभावित करती है और यह पेप्टिक अल्सर का कारण बन सकती है। आइए देखते हैं पाचन की समस्याओं में उपयोगी यौगिक क्रियाओं को अपने इस योग प्रभाग में। पेट में लगातार गैस और एसिडिटी होने से पेप्टिक अल्सर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अल्सर का आम कारण है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी नामक बैक्टीरिया द्वारा पेट का संक्रमण है। योगा अभ्यास करने से पेप्टिक अल्सर ठीक किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहली बारी आती है चंद्रभेदन प्राणायाम की। हम कोई भी एक कंफर्टेबल पोजीशन, सुखासन या पद्मासन पोजीशन में आ जाएंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी और गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए। हम हमारे राइट हाथ से पहली दो उंगलियों को फोल्ड करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। हमारी लेफ्ट नाड़ी है, उसे हमें चंद्र नाड़ी कहते हैं, इसीलिए हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। कुछ इस तरह लेफ्ट से इनहेल करेंगे, 1 2 3 दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे, 1 2 3 एंड रिलैक्स। इस तरह हम 8-10 राउंड रिपीट करेंगे। चंद्रभेदन प्राणायाम से पेट की गर्मी कम होती है और एसिडिटी में भी राहत होती है। अब हमारा दूसरा आसना है नौकासना। उसके लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे। अब हम जगह पे ही इनहेल करेंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ और दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे एंड रिलैक्स करेंगे। इस पोजीशन में हम 10-20 सेकेंड्स होल्ड करने का ट्राई करेंगे। नौकासना से हमारे कोर मसल स्ट्रेंथन होते हैं। अब जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। पेप्टिक अल्सर एक ऐसी चीज है जो अचानक नहीं होती, शुरुआत तो हमेशा एसिडिटी से होती है। वहीं अगर ध्यान दे दिया जाए तो अल्सर होगा ही नहीं। अल्सर से काफ़ी दर्द भी होता है, कोशिश करें कि वहाँ तक बात ही ना आए। शुरुआत होनी चाहिए दिमाग से कि बहुत ज़्यादा सोच और चिंता और वरी से अल्सर होना स्वाभाविक है। और ध्यान दीजिए कि खान पान में बहुत तीखा, मचार, चार पापड़, ये सारी चीज़ों को टोटली अवॉइड करिए, क्योंकि ये इरिटेंट ही है। इसलिए सिंपल सात्विक भोजन ज़्यादा फायदा करेगा। कोशिश करिए कि तली हुई चीज़ें ना खाएँ, सादी खाएँ। हर थोड़े खाने के बाद में थोड़ा थोड़ा लिक्विड पीते रहे, यानी खाने के साथ छाछ हो, खाने के साथ फ्रूट जूस हो, तो उससे बहुत सही रहेगा। अच्छी तरह चबा के खाना। और पांचवा, कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी हो, 20 मिनट 10 मिनट चलते रहें, लंबा बैठे नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। बस अपना ध्यान दीजिए। नमस्कार। योग प्रभाग के बाद सुप्रभातम में अब समय है संस्कृत पाठशाला का। संस्कृत की पाठशाला की आज की कक्षा में आप संख्या 8 के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों के बारे में जानने के लिए हो जाएं तैयार। आज हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र संस्कृत वाक्य प्रयोगों के साथ इस बारे में बता रहे हैं।
स्वागतम अस्ति सर्वेषां संस्कृत पाठशालायां सह नमस्कारः अहम नारायण दत्त मिश्रः एषः तो आइए आज आरंभ करते हैं संस्कृत की पाठशाला का जहां हम इन दिनों संख्याओं के स्वरूप का कर रहे हैं विशेष अभ्यास। तो आज संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों को जानने की श्रृंखला में संख्या 8 के संस्कृत प्रयोगों को हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देखिए संख्या 8 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं अष्टौ या अष्ट। और यहां ध्यान दीजिए कि 8 शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग स्वरूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सभी लिंगों में 8 के लिए संस्कृत शब्द होगा अष्टौ या फिर अष्ट। तो संख्या 8 से जुड़े इस विशेष तथ्य को जान लेने के बाद आइए तीनों ही लिंगों में एक समान स्वरूप वाले अष्टौ या अष्ट इस शब्द का कुछ वाक्यों के साथ कर लेते हैं प्रयोग। सबसे पहले संख्या 8 का पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। यदि अष्टौ अथवा अष्ट जनाः भवेयुः तर्हि कार्यं सरलं स्यात्, जिसका अर्थ है यदि 8 लोग हो जाएं तो काम आसान हो सकता है। अब संख्या 8 का संस्कृत प्रयोग स्त्रीलिंग में कुछ यूं कर सकते हैं। क्रीडांगणे अष्टौ अथवा अष्ट क्रीडा प्रशंसिकाः दृष्टाः, जिसका अर्थ है खेल के मैदान पर 8 खेल की प्रशंसिकाएं देखी गईं। संख्या 8 का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसक लिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। स्कॉटलैंड देशस्य अष्टौ अथवा अष्ट नगराणि तु प्रसिद्धानि सन्ति, जिसका अर्थ है स्कॉटलैंड के 8 नगर तो प्रसिद्ध हैं। यहां हम आपको पुनः याद दिला रहे हैं कि संस्कृत में 3 या उससे अधिक की संख्या को हम बहुवचन कहा करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है बहु अर्थात बहुत, जहां 2 को हम बहुत नहीं कह सकते। यह और बात है कि संसार की अधिकतर भाषाओं में एक वचन के बाद यानी सिंगुलर के बाद प्लूरल ही मान लिया जाता है, जहां 2 इस संख्या को भी बहुवचन मान लेते हैं। ऐसे में आप संस्कृत के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की परिपाटी की वैज्ञानिकता को अधिक स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं। खैर इस बारे में हम आप सभी को विस्तार से बाद में भी बताएंगे। तो संस्कृत में बहुवचन के सिद्धांत को जान लेने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों के साथ 3 या उससे अधिक संख्याओं का प्रयोग कर लिया जाए तो व्यक्ति संख्यात्मक भ्रम की स्थिति से निकल सकता है, अर्थात अष्टौ अथवा अष्ट बालकाः, अष्टौ अथवा अष्ट बालिकाः, अष्टौ अथवा अष्ट स्थानानि। इन जैसे प्रयोगों में अष्टौ या अष्ट इस संख्या का प्रयोग किया जाना अत्यावश्यक है, यह सिद्ध हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 8 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेदों के साथ कुछ यूं कहेंगे। जैसे 8 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहा करते हैं आठवां या आठवीं, जिसे संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग में अष्टमः, स्त्रीलिंग में अष्टमी और नपुंसक लिंग में अष्टमम। यहां ध्यान रखना है कि अष्टमी के स्थान पर गलती से अष्टमा जैसे शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो आइए 8 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के क्रम से वाक्यों द्वारा कर लेते हैं अब अभ्यास। भारत के 8वें राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकट रामन थे, इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य अष्टमः राष्ट्रपतिः रामस्वामी वेंकट रामन इत्यसौ आसीत। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची पढ़नी चाहिए, इसे संस्कृत में कहेंगे भारतीय संविधानस्य अष्टमी अनुसूची पठनीया। जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश का स्थान 8वां है, इसका संस्कृत स्वरूप कुछ यूं होगा जनसंख्यायाः दृष्ट्या बांग्लादेशस्य स्थानम् अष्टमम् अस्ति। तो आज आप सभी संख्या 8 के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हो चुके हैं परिचित। तो आप करते रहें संस्कृत का अभ्यास। हम पुनः लौटेंगे संख्याओं के इसी विशेष अभ्यास के साथ अगले अंक में। तावत् संस्कृतानुरागिभ्यः सकलेभ्यः मम नमः।
खबरों की दुनिया से भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज की खबरें, कार्यक्रम और विविध अपडेट्स YouTube, Facebook, Twitter, Instagram और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सुप्रभातम की इस प्रस्तुति में आज के लिए बस इतना ही। मुझे व सुप्रभातम के मेरे सभी सहयोगियों को दीजिए अनुमति। नमो नमः, पुनः मिलामः।